राजनीति के धुरंधर और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपना मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए एक बार फिर से सेफ गेम खेला है। दिल्ली में कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से मिलकर कल उन्होंने बड़ी ही होशियारी से ऐसी चाल चल दी जिसमें पहली नज़र में भले ही उनकी हार नज़र आती हो लेकिन वास्तव में जीत उन्हीं की होने वाली है। अब पार्टी के लिए गहलोत की अनदेखी करना आसान नहीं होगा, इसे आप जादूगर की झप्पी भी कह सकते हैं। अब भले ही अध्यक्ष खड़गे बने शशि थरूर, गहलोत की कुर्सी पर कोई आंच नहीं आने वाली है। गहलोत ने एक ऐसी चाल चली है कि कांग्रेस हाईकमान द्वारा उनकी सीएम पद की कुर्सी पर कोई कार्रवाई कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है। पहले तो जयपुर में मीटिंग में ना पहुंचकर गहलोत गुट के विधायकों ने पॉलिटिकल ड्रामे को अंजाम दिया और फिर खुद गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव लड़ने से इनकार करके हाईकमान को चौंका दिया, ऊपर से लिखित रूप से माफी मांग ली और सीएम पद पर निर्णय सोनिया पर छोड़कर सहानुभूति पाने का भी काम कर दिया। अब आपको बता दें कि जब सोनिया गांधी से गहलोत माफी मांग रहे थे ना, ठीक उसी वक्त जयपुर में एक होटल में गहलोत के सबसे करीबी और इस बगावत कांड के मास्टरमाइंड माने जा रहे धर्मेंद्र राठौड़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। राठौड़ ने फिर सचिन पायलट और उनके गुट को गद्दार कहा था, पार्टी हाईकमान को चेतावनी दी थी कि उन्हें सरकार का गिरना और चुनाव में जाना मंजूर है लेकिन सचिन पायलट को सीएम के रूप में वो मंजूर नहीं करेंगे। वहीं सोनिया से मिलने दिल्ली जाने से पहले गहलोत अपने 3 सिपहसालार विधायकों से मिले थे, धर्मेंद्र राठौड़, शांति धारीवाल जोशी से मिलकर उन्होंने रणनीति बनाई थी और दिल्ली जाकर उसको अंजाम दे दिया। हैरानी की बात यह है कि राठौड़, धारीवाल और जोशी को 25 सितंबर के बगावत कांड का मास्टरमाइंड मानते हुए पार्टी हाईकमान ने नोटिस दे रखा है। अब ये तो साफ है कि यदि आलाकमान राजस्थान में सीएम की कुर्सी पर सचिन पायलट या किसी अन्य नेता को बिठाता है तो गहलोत खेमा बगावत कर सकता है। प्रदेश के अधिकतर एमएलए गहलोत के साथ हैं और यदि गहलोत गुट के विधायकों ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार खतरे में पड़ जाएगी, जो कि आलाकमान बिल्कुल नहीं चाहेगा। जब कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत को सीएम पद से हटाकर बड़ा खतरा नहीं उठाना चाहता, ऐसे में गहलोत और सचिन पायलट दोनों को संतुष्ट करने के लिए हाईकमान को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, जिसमें यह हो सकता है कि गहलोत को सीएम पद पर बरकरार रखा जाए और सचिन पायलट को पहले की तरह डिप्टी सीएम बना दिया जाए और प्रदेश अध्यक्ष का पद दे दिया जाए, या फिर पायलट को डिप्टी सीएम बनाकर किसी जाट या मीणा विधायक को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि गहलोत ने आखिर अध्यक्ष पद से पैर पीछे क्यों खींच लिया, तो देखिए उसका जवाब है कि अशोक गहलोत यदि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते तो सबसे पहले तो उन्हें जीत के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती और अगर जीत भी जाते तो पार्टी आलाकमान की कठपुतली बनकर काम करना पड़ता। उन्हें फ्री हैंड नहीं मिलने से उन्हें सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल गांधी के इशारों पर उनकी रणनीति के अनुसार ही चलना पड़ता। और इसके अलावा सबसे बड़ा कारण, कांग्रेस लगातार 2 लोकसभा चुनावों में करारी शिकस्त झेल चुकी है, इसलिए इस बार का इलेक्शन 2024 के जनरल इलेक्शन उसके लिए अस्तित्व की जंग जैसे होने वाले हैं। बड़े चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष की एक्सपायरी डेट एक तरह से पहले ही फिक्स हो चुकी है। यदि वह 2024 के आम चुनाव में अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाता है तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि वो पद पर बना रहेगा।